आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाने के लिए मार्केट में गाजर बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी आने लगी हैं, तो यहाँ हम आपके साथ मिक्स वेज की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं जिसमें गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है और प्याज भी डालूंगी और गोभी है और आलू है जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट के लिया है। देखिए मैंने इतने छोटे छोटे पीस काटे हैं। गाजर को हम पतला पतला काट लेंगे, प्याज के चार भाग कर लेंगे, गोभी को इतनी बड़ी साइज में काटेंगे और आलू का इतना बड़ा साइज रखेंगे, ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और ग्रेवी के लिए हम तीन टमाटर हैं, दो लहसुन की कलियां हैं, तीन मिर्ची हैं और प्याज है और एक प्याज की पत्तियां हैं जो जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो चलिए अब हम गोभी को फ्राई कर लेते हैं। और गोभी को थोड़ा फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि गोभी अच्छे से जल्दी से पक सके। नमक डालने से अच्छे से फ्राई भी हो जाती है और जल्दी पक भी जाता है। तो इसी ऑयल में हम बाकी सब्जियां भी फ्राई करेंगे और यहाँ गोभी फ्राई हो चुकी है और अब हम आलू और गाजर को फ्राई करेंगे। तो पहले हम जो थोड़ी टाइट चीज़ें हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने आलू और गाजर को फ्राई किया है, इसको भी जब तक ये पक नहीं जाएगा तब तक हमको इसको फ्राई करना है और 90% फ्राई करना है, 10% नहीं फ्राई करना है। ये जब ग्रेवी के साथ पकाएंगे थोड़ा उसमें पक जाएगा। और ये मटर, प्याज और शिमला मिर्च इन सबको हम बाद में पकाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसको हम तीनों साथ में और जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मिर्ची, लहसुन और जो पत्ती है प्याज की उन सबको हमने कूट लिया है दरदरा ग्रेवी के लिए। और यहाँ गाजर और आलू फ्राई हो रहा है और यहाँ मेरी ग्रेवी के लिए तैयार हो गया है लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। और अब हम प्याज का पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसको भी अच्छे से कूट लेंगे इसमें। तो जब ग्रेवी की तरह बिल्कुल पेस्ट तैयार हो जाएगा तब हम इसको अलग कर लेंगे, अलग रख देंगे। तो ये भी तैयार हो गया है और इधर आलू भी फ्राई हो चुके हैं और गाजर भी फ्राई हो चुके हैं, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। अब हम उसी ऑयल में शिमला मिर्च, मटर और प्याज को फ्राई करेंगे। इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और उसके बाद इसको ऑयल से अलग कर लेंगे। तो लगभग हमने इसको 1 से 2 मिनट तक केवल फ्राई किया है और इसको अब हम ऑयल से अलग कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब उसी कढ़ाई में हम ऑयल को थोड़ा सा कम करके, अगर ऑयल ज़्यादा हो थोड़ा सा कम कर लें, उसी में हम जीरा डाल देंगे। जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे, 2 से 3 पिंच हींग वो भी डाल देंगे। और उसके बाद जो लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद हम प्याज भी डाल देंगे और प्याज को भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे।
और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कलर उसका चेंज हो जाए, बस हमें उतना ही पकाना है, ज़्यादा उसे ब्राउन नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यहाँ हमने 3 टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट तैयार कर लिया है और उसको भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है और उसको भी अब अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए ग्रेवी से। तो यहाँ देखिए अच्छे से थोड़ा सा पक गया है टमाटर। और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, ये मसाले डेली यूज़ वाले हैं, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे और नमक भी अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे। और ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़े जो मसाले होते हैं वो थोड़े से रोस्ट हो जाए इसी के साथ। और जब मसालों से और ग्रेवी से तेल अलग होने लगेगा तो समझिए मेरा मसाला अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए तेल थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है, तो ये साइन होता है कि मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, पक गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5-2 चम्मच दही को ऐड करेंगे और उसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। और दही अच्छे से मिल जाने के बाद, पक जाने के बाद इसमें हम सभी सब्जियां ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये मैंने फ्राई की हुई सब्जियां मसालों में डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं वो सब्जियों में सारी मिल जाएं। और 2 मिनट तक थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि सब्जी में और अच्छा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो ये रेडी हो गई है हमारी मिक्स वेज की रेसिपी, मिक्स वेज सब्जी। तो इस तरीके से एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये कैसी बनी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।